सब्सक्राइब करें माय हिंदी टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फोटोशॉप के बेस्ट 5 एक्शन। और दोस्तों इसकी मदद से आप पासपोर्ट साइज और स्टाम्प साइज फोटो को वन क्लिक में बना सकते हैं बिना एक्शन रिकॉर्ड किए हुए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं माइंड द टिप्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस एक्शन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इस रार फाइल को अपने डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लें और यहाँ पे दोस्तों आपको 5 तरह के एक्शन फाइल मिल जाएंगे। आप इनमें से जो भी एक्शन फाइल अपने फोटोशॉप में लोड करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। क्लिक करते ही वो एक्शन फाइल आपके फोटोशॉप में सेव हो जाएगा और दोस्तों ये तब तक सेव रहेगा जब तक कि आप इसे डिलीट नहीं करेंगे। दोस्तों इसका एक और तरीका है जहां से आप अपने एक्शन फाइल को फोटोशॉप में लोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको एक लोड एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और इसके बाद जो भी एक्शन फाइल को आप लोड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें और लोड पर क्लिक करके उसे लोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इन सभी एक्शन फाइल को अपने फोटोशॉप में लोड कर लेता हूँ। अब दोस्तों इनमें से जो भी एक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने इन सभी एक्शंस में उसका शॉर्टकट की दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलर पासपोर्ट फोटो 6:4 के पेज में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में F4 दबाएं और इसके बाद आप उस इमेज को जितना क्रॉप करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लें और फिर अपने कीबोर्ड में इंटर दबाएँ। इंटर दबाते ही दोस्तों आपका 4 ब्लैक एंड व्हाइट और 4 कलर पासपोर्ट फोटो 6:4 के पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर दोस्तों आप 42 पासपोर्ट फोटो A4 के पेज में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में F5 दबाएं और फिर उसे जितना क्रॉप करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लें और अपने कीबोर्ड में इंटर दबाएं। इंटर दबाते ही दोस्तों 42 पासपोर्ट फोटो A4 के पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर दोस्तों आप 12 पासपोर्ट फोटो 6:4 के पेज में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 दबाएं और फिर उसे भी उतना सेलेक्ट कर लें जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं और फिर इंटर दबाएं। और इंटर दबाते ही दोस्तों आपका 12 पासपोर्ट फोटो 6:4 के पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर दोस्तों आप 21 स्टाम्प साइज फोटो 4:6 के पेज में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप F6 दबाएं और फिर उसे भी उतना सेलेक्ट कर लें जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं और फिर इंटर दबाएं। इंटर दबाते ही आपका 21 स्टाम्प साइज फोटो 4:6 के पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप 8 पासपोर्ट साइज फोटो 6:4 के पेज में बनाना चाहते हैं तो F3 दबाएं और फिर उस इमेज को उतना सेलेक्ट कर लें जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं और इंटर दबाएं। इंटर दबाते ही दोस्तों आपका 8 पासपोर्ट साइज फोटो 6:4 के पेज में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेस्ट एक्शन जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन सा एक्शन सबसे अच्छा लगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और दोस्तों नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।